वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट जिसने मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजवंश के दो बड़े नामों के बीच लकीर खींच दी थी, ये सीट है रायबरेली लोकसभा सीट। और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट ने राजमाता विजयराजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया की राहें हमेशा के लिए अलग कर दी थी। बात अक्टूबर 1979 की है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति ने संसद भंग कर नए चुनाव कराने का आदेश दिया था। इससे पहले 1977 में इमरजेंसी के खात्मे के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था, लेकिन आपसी मतभेद के चलते जनता पार्टी भी ज्यादा दिन सरकार नहीं चला पाई थी। उस समय ग्वालियर रियासत की राजमाता विजयराजे सिंधिया जनसंघ में थी, वहीं उनके बेटे माधवराव सिंधिया 1977 के लोकसभा चुनाव में अपनी मां का साथ छोड़कर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में गुना से चुनाव लड़ रहे थे। उनका रुख कांग्रेस की तरफ था। गुना में उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला और जनता पार्टी की जबरदस्त लहर के बावजूद वो चुनाव जीत गए। 1990 में जब दोबारा लोकसभा के चुनाव आए, उस वक्त ये चर्चा होने लगी कि इंदिरा गांधी के मुकाबले उनकी पारंपरिक सीट रायबरेली से राजमाता को जनसंघ की तरफ से खड़ा कर दिया जाए। अपनी आत्मकथा राजपथ से लोकपथ पर में राजमाता याद करती हैं, एक दिन दूरदर्शन के समाचार में सुना कि मैं इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली हूँ। इस समाचार से मुझे हैरानी भी हुई और आघात भी हुआ। काफी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि राजमाता के इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने से जनता पार्टी का मनोबल और ऊंचा होगा। राजमाता भी मान गई। जब माधवराव सिंधिया को यह खबर मिली तो उन्होंने अपनी मां से गुहार लगाई कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव न लड़े, लेकिन राजमाता ने इसे पार्टी का फैसला बता दिया। माधवराव सिंधिया वक्त की नजाकत को भांप चुके थे। उन्होंने राजमाता को बता दिया कि अब मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकता, मुझे कांग्रेस की सदस्यता लेनी ही होगी। अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं, आप अपनी राह जाइए और मुझे अपनी राह पकड़ने दीजिए। राजमाता मन महसूस कर रह गई। आखिरकार राजनीति के इस द्वंद में ममता घायल हुई, अपनी आत्मकथा में राजमाता ने लिखा है, और इस तरह हम दोनों दो विपरीत रास्तों पर चल पड़े। मेरा दूध मुझसे अलग हो गया। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।